ब्रायोफाइट्स के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिक्सिया के बारे में। रिक्सिया के दो लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने एक लेक्चर रिक्सिया के सिस्टमैटिक पोजीशन, इसके एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी किया था। अब जो लेक्चर मैं आज अपलोड करूँगी, इसमें हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और इस लेक्चर में मुख्य रूप से हम लोग इसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, जिसको मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम और फीमेल को आर्चिगोनियम कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो रिक्सिया में जो रिप्रोडक्शन का मोड है, वो इसमें ओगैमस प्रकार का रिप्रोडक्शन जो है वो पाया जाता है। दूसरा कि इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम लोग एंथ्रीडिया या पुंधानी कहते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम लोग स्त्रीधानी या आर्चिगोनियम कहते हैं। और दोनों प्रकार के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, ये एक कोष्ठक या चैम्बर के अंदर स्थित होते हैं, मतलब कि इनके बाहर एक चैम्बर होता है। और ये जो चैम्बर होता है या कोष्ठक होता है, ये थैलस के डॉर्सल या अपाक्ष सतह पर जो मीडियन ग्रूव है उसमें ये स्थापित होते हैं, ये समझने वाली बात है। फिर इसमें जो ज़्यादातर स्पीशीज हैं रिक्सिया की, अधिकांश जो जातियां हैं वो समथैलिक या होमोथैलिक और उभय लिंगाश्री या मोनोशियस होती हैं, जिसका मतलब ये है कि एक ही थैलस के ऊपर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम का निर्माण होता है। पर कुछ स्पीशीज, फॉर एग्जांपल जैसे रिक्सिया डिस्कलर है, ये हेट्रोथैलिक है। हेट्रोथैलिक का मतलब कि इसमें नर और स्त्री जो जनांग हैं वो अलग अलग थैलस में पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसी जातियां डायोशियस या एक लिंगाश्री होती हैं। और ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये एक्रोपिटल सक्सेशन पे लगते हैं। एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब होता है कि जो सबसे यंग है, ये सबसे छोटे जो हैं सेक्स ऑर्गन्स, वो शीर्ष पर या एपेक्स की तरफ लगते हैं, और जो ओल्ड होते हैं वो बेस की तरफ लगते हैं। अब हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन या एंथ्रीडियम का अध्ययन करेंगे। जो मेल सेक्स ऑर्गन है ये दो भागों में विभाजित है। नीचे वाले भाग को हम लोग स्टॉक कहते हैं और ऊपर वाले भाग को हम लोग एंथ्रीडियम की बॉडी को कहते हैं। जो परिपक्व या मैच्योर पुंधानी या एंथ्रीडियम होती है, ये एक गोल या एक अंडाकार संरचना होती है, जो कि एक मल्टी सेलुलर छोटी सी सूक्ष्म मल्टी सेलुलर स्टॉक के द्वारा ये जो एंथ्रीडियल चैम्बर के साथ आधार से जुड़ी हुई होती है। जैसे अब आप देख लीजिए, नीचे की तरफ ये स्टॉक है और जो बाहर है ये आपको एंथ्रीडियल चैम्बर नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर एक एंथ्रीडियल कैविटी भी है, और इसमें स्टॉक की मदद से ये एंथ्रीडियम जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक जो एंथ्रीडियम है, इसका जो चैम्बर है वो थैलस के डॉर्सल या अपाक सतह पर एक संकीर्ण या छोटे से छेद के द्वारा खुला होता है, जिसको हम लोग जो आपको दिखाई दे रहा है इसको, और इस छेद को ऑस्टियोल कहा जाता है। और जो पुंधानी होती है उसमें बहुत सारी जो फर्टाइल है वो सेल्स पाई जाती हैं, जिनको एंड्रोसाइट्स मदर सेल कहा जाता है। और प्रत्येक जो एंड्रोसाइट मदर सेल होती है, इसके अंदर एक डायगोनल या विकर्ण विभाजन होता है, जिससे दो पूर्व पुम्नु कोशिकाएं या दो एंड्रोसाइट्स का निर्माण होता है। और प्रत्येक एंड्रोसाइट जो है वो प्रत्येक पूर्व पुम्नु कोशिका जो होती है उसका जो साइटोप्लाज्म है या जीव द्रवक है वो क्रियान्वित होकर या चेंज होकर या रूपांतरित होकर और पुम्नु या एंथ्रोसाइट का निर्माण करता है। इस प्रकार एक ही पुंधानी के अंदर सैकड़ों एंथ्रोसाइट्स का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं एंथ्रोसाइट के स्ट्रक्चर के बारे में। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, जो प्रत्येक एंथ्रोसाइट है ये एक छोटा सा और वक्रित या कर्व्ड संरचना होती है, और इसके अगले भाग में दो फ्लैजुला जो लगे होते हैं, और इसका
सेंटर में हमें इसका न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो ये दो एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण हो गया। तो प्रत्येक एंड्रोसाइट जो इस तरह से जो इसमें एंड्रोसाइट मदर सेल है उससे दो एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है। पहले एक डायगनल डिवीजन होती है, दो एंड्रोसाइट्स बन जाते हैं या प्री एंथ्रोजॉइड्स बन जाते हैं, उससे वो चेंज होकर या रूपांतरित होकर और एंथ्रोजॉइड का निर्माण करते हैं। तो ये तो बात होगी मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि ये इसका डिहिसेंस या पुंगड़ों का विमोचन किस प्रकार से होता है। तो जिस समय परिस्थितियां अनुकूल होती हैं या फेवरेबल होती हैं उस समय पे पर्याप्त मात्रा में जब जल उपलब्ध होता है तो जो मैच्योर एंथ्रिडियम है ये विस्फुटित हो जाती है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इन परिस्थितियों में जो जैकेट की कोशिकाएं होती हैं ये वाटर को या जल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे कि जो जैकेट जो है वो इसकी जेलेटिनाइज्ड या उसका जेलेटिनीकरण हो जाता है। तो इस अवस्था में जो एंथ्रिडियम है या जो पुंधानिम है इसके सभी जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं या पुंगड़ होते हैं वो एक इसकी एकल एक गुहिका में हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद जो एंथ्रिडियम की जो चैम्बर है ये इसमें जो इसके चैम्बर के ऊपर की तरफ एक ओस्टियोल होता है, तो ये सभी पोमनू जो है वो उस ओस्टियोल में से एक जिलेटिनस मटेरियल के साथ बाहर आ जाते हैं और इस प्रकार से इनका लिब्रेशन हो जाता है। तो अब आप देखिए कि इस प्रोसेस में जो वाटर जो है वो पानी जो है वो बहुत एसेंशियल होता है जिसकी मदद से ये एंथ्रोजॉइड्स का डिहिसेंस या इनका विमोचन होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आर्चिगोनियम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका जो आर्चिगोनियम है इसके तीन पार्ट्स में विभाजित होता है। नीचे वाले भाग को हम लोग स्टॉक कहते हैं, आप देखिए नीचे वाला भाग स्टॉक है, उसके ऊपर एक स्वोलन या फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग वेंटर कहते हैं, ठीक है। और जो वेंटर होता है इसके अंदर एक वेंटर कैनाल सेल और एक बड़ा आकार का एग पाया जाता है। देखिए ये वेंटर कैनाल सेल और एग जो है पाया जा रहा है इसको हम लोग वेंटर कहते हैं। और फिर इसमें एक लंबी नेक पाई जाती है और नेक जो है इसकी जो नेक होती है ये इसको हम लोग ग्रीवा कहते हैं। और ग्रीवा की जो कोशिकाएं होती हैं वो 6 वर्टिकल रोज या उद्रक कतारों से निर्मित होती है और प्रत्येक जो इसकी कतार होती है उसमें करीब 6 से 9 कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से इसकी जो इसकी रोज होती है प्रत्येक में 6 से लेकर 9 तक कोशिकाएं पाई जाती हैं, 6 वर्टिकल रोज पाई जाती हैं। और ये जो एक पतली सी नैरो कैनाल है उसको चारों तरफ से घेर कर रखती है। और इसकी जो नेक है इसके जो ऊपर वाली कोशिकाएं होती हैं जो शीश वाली 4 कोशिकाएं होती हैं पर जो वो थोड़े बड़े साइज की होती हैं जिनको कवर सेल कहा जाता है। तो ये तो हो गया इसके जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसका स्ट्रक्चर। तो आप फिर से देख लीजिए इसके स्ट्रक्चर में ये स्टॉक है, फिर वेंटर है और इसकी नेक है। जो स्टॉक है इसकी ये एक छोटी सी इसमें व्रंथ है जो कि आधार पर संलग्न है और इसका जो आधार वाला भाग है इसको हम लोग वेंटर या अंधता कहते हैं और उसके ऊपर एक लंबी सी ग्रीवा या नेक पाई जाती है। जो इसकी अंडता है उसके अंदर वेंटर और वेंटर कैनाल सेल या अंडता नाल कोशिका और एग पाया जाता है। और ऊपर की तरफ हमें नेक नज़र आ रही है, नेक जो है इसमें 6 इसकी वर्टिकल रोज हैं और प्रत्येक रो के अंदर करीब 6 से 9 कोशिकाएं होती हैं और ग्रीवा के जो है वो करीब 6 ग्रीवा नाल कोशिकाएं या नेक कैनाल सेल्स हैं जो कि एक लाइन में व्यवस्थित हैं वो अंदर पाई जा रही हैं। और इसके ऊपर जो है वो कवर सेल्स जो है वो पाए जाते हैं, करीब 4 होते हैं और ये बड़े आकार के होते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया हमारा आर्चिगोनियम का। अब हम इसके
इसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन तक बात करेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद के जो चेंजेस हैं उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर एक लेक्चर और बनाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के लिए जल जो है वो अत्यंत आवश्यक है। तो इसका जो थैलस है, इसके जो डॉर्सल सर्फेस है, उसमें ओस या वर्षा के जल की एक पतली सी फिल्म बन जाती है, एक पतली सी लेयर बन जाती है, जिसके ऊपर जो एंथ्रोजॉइड्स हैं या जो पुंगड़ू हैं वो जल में तैरते हुए ये पुंधानी से स्त्रीधानी के मुख तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जिस समय फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है उससे ठीक पहले जो मैच्योर आर्चिगोनियम या स्त्रीधानी है, इसकी जो नेक कैनाल सेल्स हैं या ग्रीवा नाल कोशिकाएँ हैं, और जो वेंटर कैनाल सेल है या जो अंडता नाल कोशिका है, वो विघटित हो जाती है और एक म्यूसिलेजिनस सा जो एक सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस करती है। ये जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होता है ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो फूल जाता है, जिसके द्वारा जो नेक आवरण की कोशिकाएं हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, और इसके ऊपर तक एक पतला सा मार्ग बन जाता है जो ग्रीवा के शीर्ष से लेके और जहाँ पर एग है वहाँ तक एक पतला सा मार्ग बन जाता है। और इस समय जो इसके ऊपर वहाँ पर पुंगड़ू तैयार होते हैं वो तैरते हुए स्त्रीधानी की ग्रीवा तक पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर ये जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस है ये कीमोटैक्टिक प्रक्रिया के द्वारा ये इनको स्त्रीधानी के मुख तक आकर्षित कर लेते हैं। यहाँ पे कई सारे जो पुंगड़ू हैं वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं, पर उनमें से केवल एक पुंगड़ू एंथ्रोजॉइड जो होता है जो सबसे पहले स्त्रीधानी के अंदर प्रवेश कर जाता है वो एग से फ्यूज कर जाता है और ऊसपोर या निष्ठिकांड का निर्माण करता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही। इस लेक्चर में हमने मुख्य रूप से जो जो चीज़ें स्टडी की हैं वो ये हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ओगैमस प्रकार का है, और मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो एक चैम्बर में पाए जाते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहते हैं। इसके अलावा हमने एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर, एंथ्रोजॉइड का स्ट्रक्चर स्टडी किया, किस प्रकार से एंथ्रीडियम का विमोचन या डिहिसंस होता है इसके बारे में बात की। उसके बाद हमने आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर क्या है और फर्टिलाइजेशन इसमें किस प्रकार से संपन्न होता है उसके बारे में बात की। आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किस प्रकार से इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद चेंजेस आते हैं और किस प्रकार से इसमें इसकी जो स्पोरोफिटिक प्रवस्था है उसका निर्माण होता है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।